सभी का एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा कि राहुल गांधी कमलनाथ खुले मंच पर मुझसे हिंदुत्व पर बहस करें। ये बात कही विश्वास सारंग ने। राहुल गांधी जब चाहे मुझसे हिंदुत्व पर बहस कर ले। कमलनाथ ने बीजेपी संघ और बीएचपी को चैलेंज दिया था, अध्यात्म पर बहस करने का चैलेंज दिया था। उसके बाद में मंत्री विश्वास सारंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार किया और इस बात का जिक्र किया कि खुले मंच पर मुझसे हिंदुत्व के मसले पर बहस कर ले। विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी से वो बहस करने को तैयार है हिंदुत्व के मसले पर। कमलनाथ ने यह चैलेंज दिया था, उसके बाद विश्वास सारंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और कहा कि मुझसे खुले मंच पर हिंदुत्व के मसले पर बहस कर ले। मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, हिंदू विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। दित्ता ज्ञान इनको धर्म का है, ये भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को नहीं। तो सीधा चैलेंज यहां पर दिया कमलनाथ ने, विश्वास सारंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, इस चैलेंज के क्या कुछ सियासी मायने, जिस तरह से विश्वास सारंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया उसके बाद में कहां तक पहुंची बयानबाजी? शुभम, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासी केंद्र बात की जाए, कांग्रेस बीजेपी के अंदर ये बहस चल रही है कि कौन बड़ा सनातनी है और उसी को लेकर एक दूसरे के ऊपर चैलेंज किया जा रहा है और चैलेंज को स्वीकार किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे सियासी बयानबाजी की शुरुआत राहुल गांधी ने 2 दिन पहले आगरमालवा की जनसभा में करी थी। उन्होंने मंच से ये कहा था कि उन्हें पद यात्रा के दौरान एक पंडित जी मिले, पंडित जी ने उन्होंने कहा उनसे के मंच से पूछेगा आम जनता से कि आखिर बीजेपी के नेता जय श्री राम के नारे क्यों लगाते हैं और जय सीताराम के नारे क्यों नहीं लगाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जय सियाराम, जय सीताराम, जय श्री राम, इन तीनों नारों का मतलब भी समझाया और सीधे तौर पर यह आरोप लगाए थे मंच से के सीता माता का अपमान करती है बीजेपी और आरएसएस, इसलिए ही जय सियाराम और जय सीताराम के नारे नहीं लगाती है, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाते। जिसके बाद सियासी बयानबाजी देखने को मिली पूरे देश में, बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड पर नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव हुए हिंदुत्व की बातें वो सिर्फ चुनाव के दरमियान करते हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुद्दे को उछाला जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कमलनाथ ने, तो कमलनाथ की तरफ से जब सवाल पूछा गया कि इस तरीके से राहुल गांधी के सवाल उठाए जा रहे उस बयान को लेकर, तो राहुल गांधी के बचाव में आते हुए कमलनाथ ने ये कहा कि मैं खुला चैलेंज करता हूं राहुल गांधी से, कोई भी बहस कर ले, बीजेपी और आरएसएस का नेता, उन्हें सनातन धर्म बारे में सबसे अच्छी जानकारी है। और जब इसको लेकर विश्वास सारंग से हमने जब सवाल पूछा तो विश्वास सारंग का यह कहना था कि मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं और आकर मुझसे बहस करें और पता चल जाएगा कौन कितना ज्ञानी है और कौन कितना पानी में। तो यह कह सकते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार हिंदुत्व पे सियासत होती हुई नजर, एक दूसरे के ऊपर शुरू हो चुकी है। लेकिन चुनावी मौसम में, चुनावी साल में क्या मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा साबित हो पाएगा विधानसभा चुनावों में, क्या कह सकते हैं? देखिए बिल्कुल साबित होगा, ये सच्चाई है। और मध्य प्रदेश में जब 2023 के चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, और शुभम ये तय मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमती भी नजर आएगी, क्योंकि हमने जब भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे थे तो उसमें भी कांग्रेस की, ये कह सकते हैं, हिंदुत्व की झलक, सॉफ्ट हिंदुत्व देखने को मिला था। क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां गए वहां पर किसी भी एक भी जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय की जगह
मुस्लिम समुदाय के किसी भी धर्म स्थल पर नहीं गए थे, लेकिन वो आदिवासी, इसके साथ साथ दलित और इसके साथ साथ जो बहुसंख्यक यानी हिंदू समाज के जो जो धर्म स्थल है, बड़े स्थल हैं, जैसे दो ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, बात करें ओमकारेश्वर और इसके अलावा बाबा महाकाल की नगरी महाकाल, वहां पर गए, वहां पर दर्शन करा, इसके साथ नर्मदा पूजा भी करी, वहां पर चुनरी भी चढ़ाई। और नर्मदा को भी हम सबको पता है शुभम के नर्मदा मैया का कितनी आस्था है मध्य प्रदेश की जनता के बीच में। तो पूरा हम दौरा देखे राहुल गांधी का, तो वो एक तरीके से यात्रा जरूर थी, लेकिन दबी जुबान सियासी पंडित ये कह रहे, पंडितकार ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से धार्मिक यात्रा भी थी, क्योंकि पूरा ध्यान रखकर पूरी प्लानिंग के साथ राहुल गांधी ने बिल्कुल सब इनको यहां पर दिखाने की कोशिश की, और उसका कितना फायदा चुनाव में मिल पाएगा।